हेलो गाइस, क्या आप नाथिंग टू नॉट खाने के बारे में सोच रहे हैं? तो ये वीडियो को आप पहले देख लीजिए, शायद आपका काम में आना वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ लोग शायद इस फोन को सस्ते में आईफोन का रिप्लेसमेंट समझ बैठे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस फोन में देखने को मिल रहा है आपको स्नैपड्रैगन 770G प्रोसेसर, जो किसी भी मामले में इवन आईफोन 12 को टक्कर नहीं दे सकता। तो परफॉर्मेंस को तो भूल ही जाइए, लेकिन हाँ, ये मत सोचिए कि इसका परफॉर्मेंस बेकार है। ऐसा नहीं है, इस प्राइस रेंज में ठीक ठाक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आईफोन का मुकाबला कर सकता है। लेकिन लोग आईफोन क्यों खरीदते हैं? iOS, सिक्योरिटी, चलिए ये सब भूल जाते हैं। सबसे बड़ी पॉइंट क्या है? आई मैसेज, फेस टाइम, आई क्लाउड एंड सो ऑन। क्या ये सब आपको इस फोन में देखने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ आईफोन में ही मिलेगा। तो आईफोन वाले ये फोन तो नहीं लेने वाले। अच्छा चलिए, अगर परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो एक बार देख लेते हैं कि इस प्रोसेसर के साथ फोन किस प्राइस रेंज में अवेलेबल है। ये देखिए, गैलेक्सी M52 5G जो कि अवेलेबल है मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 21,000 में। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से इससे बहुत सस्ते फोन इसका टक्कर दे सकता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस प्राइस रेंज में आपको सबसे बेहतरीन कौन सा प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। इसका प्राइस क्या है? सिर्फ और सिर्फ 28,000, जो कि इससे भी कम है। लेकिन प्रोसेसर क्या मिल रहा है? स्नैपड्रैगन 888। ओके चलिए, आपको शायद लग रहा होगा कि इस फोन में मतलब नाथिंग फोन का डिजाइन बहुत ही कमाल है। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ सच में डिजाइन कुछ यूनिक तो किया है इन लोगों ने, और उसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। हाँ वो भी है, लेकिन पोको F4 का देखिए ग्लास बैक है, ये भी देखने में बहुत बेहतरीन है, साथ साथ बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपके पास चॉइस बहुत सारे हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि है कैमरा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस प्राइस रेंज में आपको कौन सा फोन मिल रहा है, उसके अंदर क्या क्या कैमरा मिल रहा है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे गैलेक्सी M52 के बारे में, देखिए इस फोन का कैमरा का स्पेसिफिकेशन बहुत ही बेहतरीन कैमरा है इसका। अल्ट्रा वाइड भी बहुत ही डिसेंट क्वालिटी का दिया गया है, कोई 8 मेगापिक्सल का नहीं दिया गया है, बल्कि 12 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और जो मेन कैमरा वो तो है ही, और उसके साथ साथ अगर आप पोको F4 के बारे में बात करना चाहते हैं तो उसका भी कैमरा बेहतरीन है। और एक बात को आपको खास ध्यान में रखना होगा कि अगर किसी फोन का प्रोसेसर बेहतरीन है तो उसका ISP भी बेहतरीन होगा, और अगर ISP बेहतरीन होगा तो उसका कैमरा का क्वालिटी बेहतरीन होगा। अगर बात करें स्नैपड्रैगन 770G प्रोसेसर की और उधर स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर की, तो जाहिर सी बात है जो स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर है उसका ISP बहुत बेहतरीन है स्नैपड्रैगन 778G की तुलना में, और इसीलिए जो पोको F4 है उसका भी कैमरा क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए आगे पॉइंट की ओर बात करते हैं। तो आप बात कर लेते हैं सिक्योरिटी के बारे में। आपको अगर लग रहा है कि जो पोको F4 है वो एक चाइनीज ब्रांड है तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है मान लिया। तो आप एक काम कीजिए, गैलेक्सी M52 के ऊपर ध्यान दीजिए, वो सैमसंग का ब्रांड है बॉस। सैमसंग सिक्योरिटी ब्रांड में कितना स्ट्रॉन्ग है अब तो आपको पता ही होगा, एंड्रॉयड में शायद बेस्ट होगा सिक्योरिटी के मामले में। और वही जो नाथिंग फोन है वो तो भाई नाथिंग का पहला फोन है, उसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट सैमसंग जैसे नहीं दिखने वाला। तो सिक्योरिटी के बारे में मैं तो भाई सैमसंग को ही प्रीफर करूँगा, लेकिन ब्लोटवेयर के मामले में भाई सैमसंग शायद वन ऑफ द वर्स्ट है सच में। शायद पोको से भी ज़्यादा ब्लोटवेयर तो सैमसंग दे रहा है, आप क्या ही कर सकते हैं। हालांकि उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उस मामले में नाथिंग तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसमें कोई ब्लोटवेयर तो देखने को नहीं मिल रहा है, ये पॉइंट बहुत सही है। तो इस प्राइस में बेस्ट फोन कौन सा है? मेरे मुताबिक एक फोन है जो हार्डवेयर पॉइंट से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको दे सकता है। कौन सा है? सैमसंग का ही है, लेकिन गैलेक्सी M52 नहीं, गैलेक्सी S20FE 5G। हाँ मानता हूँ कि वो कौन सा पुराना हो गया है, मानता हूँ उसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको शायद ज़्यादा दिन के लिए देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये स्पेसिफिकेशन देखिए जरा। हाँ मानता हूँ कि उसका प्लास्टिक का बैक है, लेकिन IP68 का भी सर्टिफिकेशन आपको देखना मिल रहा है आपको। तो अगर सावर में भी आप फोन लेके जा रहे हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। साथ ही साथ उसका कैमरा का स्पेसिफिकेशन देखिए, ट्रिपल कैमरा है और तीनों कैमरे काम का है। ऐसा नहीं कि 2 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल का ऐसे ही कैमरा डाल दिया, ऐसा कोई भी कैमरा नहीं है। देखिए टेलीफोटो भी है, अल्ट्रावाइड भी है, मेन सेंसर भी है, और फ्रंट कैमरा भी कमाल का है। और प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 865 जो कि बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। हाँ पोको F4 में आपको इससे बेहतर प्रोसेसर देखने को मिलेगा मानता हूँ, लेकिन अगर हर एक पॉइंट से आप डिसाइड करना चाहते हैं तो इस फोन को मैं इस प्राइस रेंज का किंग मानता हूँ। तो
तो आपको शायद दिख रहा होगा कि Amazon में अभी इस प्राइस में देखने को मिल रहा है फोन, लेकिन कभी कभी आपको ये फोन 31,000 में देखने को मिल सकता है। तो अगर 31,000 में मिल रहा है तो आंख बंद करके आप ये फोन के साथ जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि ये फोन घटिया है, कोई काम का नहीं है? नहीं भाई, ये फोन ठीक है, लेकिन प्राइस थोड़ा कम हो सकता था। अगर यही फोन अगर 25 या 26 के अंदर इंडिया में देखने को मिलता तो मैं मानता ये फोन इस प्राइस का वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन आप फिर भी ले सकते हैं इस फोन को अगर आपको ये डिजाइन पसंद है, क्योंकि इस फोन का डिजाइन टोटली यूनिक है। जरा बैक को देखिए, इतने सारे लाइटिंग है। अगर आपको इस फोन का डिजाइन पसंद है और इसी वजह से इस फोन को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, देन गो फॉर इट। ये फोन आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करने वाला, लेकिन आपको डिजाइन के साथ साथ आपको सब कुछ चाहिए तो शायद ये फोन आप ले लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।